बल्लारिया संडूर केंद्र सचिव अमित शा रणकहळियन्न मुळुगिसुत्तिद्दारे विजय संकल्प यात्रे अमित शा भागियागिद्दारे ऑलरेडी चुनावे हत्र इरोद्रिंद केंद्र बीजेपी वरिष्ठरु ओब्रादंते ओब्रु राज्य के पदे पदे आगमिसुत्तिद्दारे विविध कार्यक्रम उद्घाटिसुव मूलक अथवा बेरे बेरे कार्यक्रम नेपदल्लि राज्यक्के आगमिसुत्तिद्दारे समावेशदल्लि कांग्रेस विरुद्ध चाणक्य वाग्दाळियन्न नडेसिदरु डीकेशि सिद्धरामय्य कुर्चिगे इवरिब्बर होडदाटदल्लि कर्नाटक एल्लि अभिवृद्धि आगुत्ते इदु अभिवृद्धि आगोदिल्ल अंत हेळि ऑलरेडी समावेशदल्लि अमित शा मातनाडुत्ता इद्दारे जेडीएस गे हाकुव मतगळु कांग्रेस गे हाकदंते जेडीएस हागू कांग्रेस एरडु कूड कुटुंब राजकारणवन्न नडेसुत्तावे अंत हेळि वाग्दाळि नडेसिदरु अमित शा हागाद्रे संडूर्न ई सभेयल्लि विजय संकल्प यात्रेयल्लि एन् मातनाडुत्ता इद्दारे बन्नि केळोण येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी मगर कुछ सीटें हमें कम दे दी और उसके बाद ये जेडीएस और कांग्रेस का सत्ता का खेल चालू हुआ भ्रष्टाचार का केस चालू हुआ ये कांग्रेस और जेडीएस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं मित्रों लोकतंत्र में परिवारवादी पार्टियां कभी जनता का गरीब का कल्याण नहीं कर सकती मित्रों आज मैं आपको बताने आया हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लड़ रही है आज मैं कर्नाटक की जनता को बताने आया हूं जेडीएस को दिया हुआ एक एक वोट जेडीएस को दिया हुआ एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पास जाने वाला है और कांग्रेस पार्टी को दिया हुआ एक एक वोट सिद्धरामैया और उनकी एटीएम सरकार जो दिल्ली का एटीएम थी भ्रष्टाचार करती थी उसको जाने वाला है मित्रों आज मैं कहने आया हूं मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक और है और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी है ये दोनों के बीच में आपको तय करना है मित्रों मैं कर्नाटक में आया हूं मैं आपको कहने वाला आया हूं पीएफआई पर नरेंद्र मोदी जी ने बैन लगा दिया पीएफआई को बंद कर दिया मुझे बताइए मित्रों पीएफआई पर बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए जोर से बोलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब पीएफआई पर 1700 से ज्यादा केस वापिस लेने का काम किया था ये नरेंद्र मोदी सरकार आप मुझे बताओ भाई अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए जोर से बोलो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए सालों से कांग्रेस पार्टी इसको अटका रही थी लटका रही थी भटका रही थी नरेंद्र मोदी जी को आपने 19 में प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है मित्रों देश को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जोर से बोलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस सालों से कांग्रेस पार्टी सोनिया और मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे कई सारे हमले हुए पाकिस्तान के कोई जवाब नहीं दिया गया मोदी जी की सरकार बनी मोदी जी ने उस वक्त भी पाकिस्तान ने हमला किया उरी और पुलवामा पर 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया माताओं भाइयों बहनों मोदी जी ही देश को सुरक्षित कर सकते हैं मोदी जी ही देश को समृद्ध कर सकते हैं एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती एक सीएम पद है
सीएम के लिए डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों लड़ रहे हैं और दूसरे भी कई प्रत्याशी तैयार हैं। इनकी लड़ाई में कर्नाटक की जनता का कल्याण नहीं होगा, कल्याण कर्नाटक का कल्याण करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने गरीबों के घर में गैस भेजा, शौचालय भेजा, बिजली भेजी, बैंक अकाउंट भेजा, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठाया। और मुझे बताओ, बेल्लारी वालों, हॉस्पिटल वालों, सबने कोरोना का टीका लिया है या नहीं लिया है? कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ है वो जरा हाथ ऊपर करो तो। सबका हो गया है ना? एक पैसा देना पड़ा है क्या? जरा जो मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना का टीका लगाकर कर्नाटक को कोरोना से सुरक्षित कर दिया है। मोदी जी ने हर गरीब के घर में 2.25 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल या रागी या गेहूं या जुवार ये भेजकर गरीब के चूल्हे को जलते रखने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, बेल्लारी जिले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीएमएफ ग्रांट 2000 करोड़ दी, 13000 करोड़ रुपया पूरे कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का दिया, लगभग 59 जिलों को भरने के लिए 1300 करोड़ रुपए की लागत से इसको आगे बढ़ाया, 60,000 लोगों के घर में जल से नल भेजा। इसके साथ साथ हर किसान को प्रति साल 6000 रुपया, भैया बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाइए, हर किसान को 6000 रुपया प्रति साल भेजकर मोदी जी ने गरीब किसान का काम करने का किया है। येदुरप्पा जी की पहले सरकार थी, अब मुंबई जी की है, 9 लाख दुग्ध उत्पादकों को 1644 करोड़ रुपया दिया, खाद में सब्सिडी 140% बढ़ाई, सूक्ष्म सिंचाई योजना 1100 करोड़ रुपए की लागू की और एमएसपी के अंदर भी ढेर सारे बढ़ोतरी की। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अंत में एक ही बात करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? ये कश्मीर के अंदर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी, ये जेडीएस, ममता, समता, एसपी, जेडीयू, ये सारे कहते थे 370 नहीं जानी चाहिए। मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 को हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको कहकर जाता हूं, एक बार मोदी जी पर भरोसा करिए, एक बार येदुरप्पा जी पर भरोसा करिए, हम कर्नाटक में एक ऐसी सरकार देंगे जो 5 साल में कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी और कर्नाटक को पूरे दक्षिण का एक नंबर का राज्य बनाएगी। ऐसी सरकार हम देंगे।
मुझे बताओ कमल के निशान पर वोट करोगे? अरे ऐसे नहीं भाई, हाथ ऊपर उठाकर बताओ कमल के निशान पर वोट डालेंगे? जोर से बोलिए, डालेंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी को मजबूत बनाएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ